हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिचा गांधी डॉट इन। आज तक की मेरी वीडियो देखने के लिए, उसमें अच्छे से कमेंट्स करने के लिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए थैंक यू। आज हम एक नई तरह की ये मेहंदी सीख रहे हैं, उसको बोलते हैं बैंगल स्टाइल मेहंदी डिज़ाइन। तो बैंगल स्टाइल मेहंदी डिज़ाइन में आपकी बैंगल्स पहनने का जो पार्ट रहता है हाथ का, ये वाला, उस पार्ट में मेहंदी डिज़ाइन बैंगल स्टाइल की आएगी और बाकी की अपनी मेहंदी डिज़ाइन। तो चलो उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एरिया चूज़ कर लेंगे कि बैंगल स्टाइल के लिए कितना एरिया चाहिए। तो उस एरिए के हिसाब से हम सबसे पहले ऊपर की ओर एक बॉर्डर बना देंगे, जिससे हमको मालूम रहेगा कि इसके ऊपर हमको नहीं जाना है। तो सबसे पहले मैं ऊपर की ओर एक हल्का सा पतला सा लाइन बना देती हूँ। ओके, ठीक है। अगर आपकी मेहंदी ऐसे आ रही है तो उसको फिर से बना करके अच्छे से बना दीजिए। ओके, तो ये हमारा पतला सा हल्का सा लाइन बन गया। तो अभी हमको इससे आगे नहीं आना है। तो ये लास्ट बॉर्डर है, तो उसके ऊपर जो हम हमारी डिज़ाइन बनाएंगे वो लास्ट डिज़ाइन चलेगा। फिर इधर से थोड़ा सा गैप करके एक डिज़ाइन एक लाइन बनाएंगे। फिर उसी लाइन को फिर से बना के एकदम डार्क वाला लाइन बनाएंगे। जब हमको डार्क लाइन बनानी है तो उस टाइम पे हम कॉर्न पे प्रेशर ज़्यादा देंगे। तो प्रेशर ज़्यादा देंगे तो अच्छी सी लाइन बन जाएगी। और अगर आपको ऐसे कितना ज़्यादा प्रेशर देना है कॉर्न में वो समझ में नहीं आता, तो इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने सिखाया है कि दो अलग अलग लाइन बनाओ और उसको फिल कर दो। मैं हर तरह से आपको सिखाऊंगी कि मेहंदी डिज़ाइन कैसे कैसे कर सकते हो अलग अलग तरीके। तो आप देखें, उसमें से आपको जो पसंद आ रहा है वो आप बना सकते हैं। तो ये बनाने के बाद थोड़े गैप पे फिर से एक लाइन बनाएंगे हम। ठीक है, अभी यहाँ पे एक सर्कल जैसा बनाएंगे और बीच में डॉट कर देंगे। ठीक है, तो वैसा ही सर्कल बनाते जाए और डॉट करते जाए। और इसमें इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सारे सर्कल एक जैसे ही दिखे, कोई बड़ा छोटा लंबा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, और सर्कल उस तरह से बनाए कि आपका बीच का डॉट भी अलग से आपको दिखे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप सर्कल बनाते जाए और बीच में डॉट करते जाए। ओके, तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब हम इस डिज़ाइन को, जो ये सर्कल किया है, उसके ऊपर हाफ सर्कल शेप में बॉर्डर बना देंगे। जितना हमारा सर्कल है उस हिसाब से बॉर्डर बनेगा। तो उस बात का आप ध्यान रखें कि सर्कल एक समान ही बने। ओके, ये बन गया। अभी यहाँ पे एक हम हल्का सा पतला सा लाइन बनाएंगे। अभी यहाँ पे हम चेक्स बनाने वाले हैं, तो चेक्स के लिए स्क्वायर शेप आए उस तरह से मेंटेन करते हुए एक लाइन बना दीजिए। ओके, अभी ये चेक्स बनाने के लिए अभी हम जगह छोड़ देंगे और जो पैच हमने यहाँ पे बनाया है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे बनाएंगे। पर अभी शुरू कैसे करेंगे, तो सबसे पहले थोड़े से गैप छोड़ करके हम एक लाइन बनाएंगे। ओके,
और ये जो हमने सर्कल्स बनाए थे वो यहाँ पे बनाएंगे। ये बन गया। अभी हम थोड़ी सी ये जो लाइन है उसके थोड़ी सी दूर, ऐसे यहाँ पे जो डार्क लाइन भी बनाई है वैसी ही यहाँ पे हम बनाएंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया वाला ये डार्क लाइन भी हमारा हो गया है। अभी यहाँ पे हमने पतली लाइन बनाई है तो यहाँ पे भी हम पतली वाली लाइन बनाएंगे। तो ये बनाई हमने पतली वाली लाइन। अभी यहाँ पे यू शेप पैटर्न बनाएंगे हम, और यू शेप पैटर्न को बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि लाइंस एक जैसी ही दिखनी चाहिए यू शेप की, ऊपर की और नीचे की ओर तो हमने लाइन किया है, और इस साइड से अगर अपन देख रहे हैं तो हमको ये ऊपर का लगेगा, तो वो अपने हिसाब से आप समझ लीजिए। और इतना कि दोनों ओर से हमको लाइन एक जैसा दिखना चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, और यू शेप भी हमारा एक जैसा ही दिखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे एक और पैटर्न बनाना है, तो आप इसको थोड़ा और ध्यान से देख लीजिए। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले एक डॉट करेंगे और उसको ऐसे खींचेंगे। अगर आपने देखा है, मैं फिर से दिखाती हूँ, उसको थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर से एक डॉट बनाएंगे और उसको अपोजिट जगह पे खींचेंगे, और यहाँ पे एक और डॉट बना के उसको स्ट्रेट खींचेंगे। देख सकते हो बहुत ही आसानी से बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बनाई है हमने, तो आप भी बनाएं। अगर आप शुरू शुरू में आज पहली बार कर रहे होगे, जिस दिन भी आप कर रहे होगे उस दिन पहली बार होगा तो आपको प्रॉब्लम होएगा। मेरे को भी ये डिज़ाइन बनाने में काफ़ी वक्त लग गया था, पर अब आप देख सकते हो मैं बहुत ही अच्छी सी ये डिज़ाइन बना सकती हूँ। उसकी वजह है मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश, और आपको मालूम ही है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हम क्यों ना कोशिश करें। कभी तो कभी बनेगा, ऐसे सोच के करो। कभी भी यूं बैठे हो, पेंसिल ले लो, पेंसिल से करो, कौन है तो कौन से करो। और आपको अगर आप पेंसिल से कर रहे हो और उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, और कौन से इस्तेमाल करने के बाद भी आ रहा है तो भी आप बता सकते हो। ठीक, और अब इसके बाद हम बीच में जो जगह है वहाँ पे डॉट करेंगे, सिर्फ डॉट, और वो डॉट का ध्यान रखना है कि सर्कल ही हो, डॉट टेढ़े मेढ़े नहीं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अभी ये जगह हमने चेक्स के लिए छोड़ी थी, तो चेक्स बनाएंगे। चेक्स के लिए मैं आपको थोड़ी टिप्स देना चाहूँगी कि आप जब चेक्स शुरू करेंगे तो इतना ज़रूरी नहीं कि आपका पूरा चेक्स अच्छे से ही आए फर्स्ट टाइम में। आप ऐसा सोचें कि बस हमको लाइन बनाना है सिर्फ, ठीक है, और इस बात का ध्यान रखें कि गैप एक सा रहे। अगर आप गैप एक सा कर एक जैसा ही रखोगे तो आपकी लाइंस आराम से एक सी ही आएगी, और उसके लिए पहले आप मेंटेन करें अपना हैंड जो एक स्थिर होना चाहिए। ओके, छोटी चेक्स हमको आ जाती है, ये जो गैप करके बनानी है वो चेक्स की बात कर रही हूँ। छोटी चेक्स तो बहुत ही आसानी से हमको आ जाती है। ओके, तो ऐसे देखो मैं कितने आसानी से कर रही हूँ, बस हाथ स्ट्रेट रखो और फिर उसे बनाओ। ओके, और ऐसा नहीं है कि थोड़ी जगह है चलो एक और बना दूँ, तो उस जगह को छोड़ दो। अभी मेरे यहाँ पे कॉर्नर बन सकता है,
पर अभी मैं वो नहीं बनाऊंगी। पहले ऐसे सिंपल अच्छी सी स्ट्राइक चेक्स बनाए, फिर जगह दिखे तो एंड में जब हम फिल करेंगे तब लगेगा तो बना देंगे। ओके, अभी ये हम दो लाइंस वाला चेक्स बना रहे हैं, तो अभी हम एक और बात का ध्यान रखेंगे कि अभी मैं यहाँ से समझ लो शुरू कर रही हूँ, तो ये लाइंस ये लाइन को जोड़ूंगी और ये वाली लाइन ये लाइन को, उस बात का यहाँ पे हमको ध्यान रखना है। ओके, तो उस बात का ध्यान रखते हुए अगर हम चेक्स बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी चेक्स बनेगी। ओके, तो लंबी लाइन खींचे और बनाए, तो इस तरह से बनाते जाए, बहुत ही अच्छे से आपकी डिजाइन्स बन जाएगी। बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी वाली हमारी चेक्स बन गई है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इस चेक्स को फिल करेंगे, तो चारों कॉर्नर पे हम डार्क डॉट बनाएंगे। ओके, ये चारों कॉर्नर पे हम डार्क डॉट्स बनाएंगे, दो कॉर्नर है तो दो बनाएंगे। पर आप देख सकते हो कितना अट्रैक्टिव दिखता है, और करते वक्त अगर आपको कहीं पे खाली जैसा दिखेगा, मतलब कि कुछ मिसिंग जैसा दिखेगा, मतलब वहाँ पे डॉट नहीं हुआ, जैसे कि मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कर दूंगी डॉट्स। अगर डॉट्स नहीं होगा तो गैप ज़्यादा दिखेगा, उस वजह से अपन को पता चल ही जाएगा कि हाँ कुछ तो मिसिंग है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा पार्ट हुआ, इसको बोलेंगे बैंगल स्टाइल। बैंगल्स, यहाँ पे हम बैंगल्स पहनते हैं इसलिए इसको बैंगल स्टाइल्स बोलते हैं, और जो चीज़ हमने यहाँ पे की है वो चीज़ भी हम यहाँ पे कर देंगे। और एक और टिप्स देना चाहूँगी कि जब भी मेहंदी डिज़ाइन बना रहे हैं, दिमाग में एक ही बात रखें कि मैं क्या करूँ जिससे मेरी डिज़ाइन ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। ओके, तो ये डिज़ाइन बनने के बाद हम डॉट्स कर देंगे जो हमने यहाँ पे भी किया हुआ है, तो अपनी जगह है उस हिसाब से हम डॉट को डार्क और लाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डिजाइन। अभी फिर हम इधर यहाँ पे सर्कल जैसा बनाएंगे और एक टैटू जैसा बोल सकते हैं, तो वो बनाना भी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डार्क डॉट बनाएंगे, और फिर उसके आसपास एक दो या तीन लाइन जितनी बॉर्डर बनाएंगे। फिर इस बॉर्डर के आसपास यू शेप वाले पर बड़े से, या फिर आप इसको सी शेप भी बोल सकते हो, इंग्लिश में जो शी होता है, सी, सी फॉर कैट वाला सी, तो वो बनाए, तो वो भी ऐसा ही बनता है। और फिर इसको बॉर्डर कर दें, और बॉर्डर डार्क बनाए। फिर हम इसके आसपास एक और बॉर्डर बनाएंगे,
जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि डिज़ाइंस में आप कहीं से छोड़ सकते हो और जोड़ भी सकते हो, पर जब जोड़ रहे हो तब लाइन एक सी ही आनी चाहिए, इस बात का आपको सिर्फ ध्यान रखना है। अभी इसके बाद हम यू शेप और पतला वाला यू शेप डिज़ाइन बनाएंगे। ये बन गया। अभी हम ऊपर की ओर डार्क डॉट बनाएंगे थोड़े थोड़े गैप पे, और गैप एक समान ही रहे उस बात का हम ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा एक टैटू जैसा रेडी हो गया है। अभी हम यहाँ पे एक बॉर्डर बना रहे हैं, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान से देखें। सबसे पहले बॉर्डर के बीच का और मैं बना दूंगी, तो वो कैसे पत्ती शेप में, सिंपल हमारी पत्ती बोलते हैं वो शेप में बनाऊंगी। बस ये हमारा फर्स्ट था जो हमें ध्यान से बनाना था। अभी हम अपनी जगह और दौड़ने वाले के हाथों के हिसाब से ही ये डिज़ाइन बनाएंगे। किसी के हाथ छोटे हैं तो दो ही आएगा, किसी के इससे भी बड़े हैं तो चार भी आएगा, तो इस बात का आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और फिर वैसा ही इस और भी बनाएंगे। और एंड में ध्यान रखना है कि ये और यहाँ पे एक समान ही आना चाहिए। मेरा बाहर गया है, पर मैंने इससे पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि ये मेरा ड्रॉ किया हुआ हैंड है, अपना रियल हैंड है, उसमें बाहर जाएगा तो साइड की ओर जाएगा। अगर आप मेहंदी बना रहे हो थोड़ा साइड की ओर जाएगा तो अच्छा है, साइड से भी डिज़ाइन भर जाएगी। ओके, अभी ये बनाने के बाद हम डार्क डिज़ाइन बनाना है, तो उसको थोड़े थोड़े अंतर में ले लेके बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी डिज़ाइंस बनती है। ओके, और जहाँ पे कॉर्नर हो रहा है वहाँ पे तो पतला ही होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। और अगर आप बनाएंगे इस तरह से अच्छे से ध्यान रख के, तो आपकी डिज़ाइंस बहुत ही अच्छी बनेगी, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से हम इस ओर से भी शुरू करेंगे और डार्क डिज़ाइन ही बनाएंगे। अगर आपका ऐसा कॉर्नर नहीं बना तो जैसे मैं बना रही हूँ इस तरह से आप बना सकते हैं। ओके, अभी ये डार्क बॉर्डर बनाने के बाद फिर से एक लाइट बॉर्डर बनाएंगे हम। फिर इसके ऊपर हम यू शेप पैटर्न करेंगे। अगर ये सब हाथों में कर रहे हो तो जिसके हाथ में कर रहे हो उसकी सारी फिंगर्स ऐसे जॉइंट रखना है, और पीछे की ओर है तो भी, नीचे कर रहे हैं हम तो कोई बात नहीं, और ये ज़्यादातर पीछे इस्तेमाल होता है तो थोड़ा पेच बैंगल सब एक साथ अच्छा लगता है, और यहाँ तक आएगा तो कोई बात नहीं, पर अगर फिंगर पे जा रहा है तो आप इस तरह का ध्यान रख सकते हैं और उस तरह से आप बना सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ही अचानक आसानी से और अच्छा सा बन गया। अभी जहाँ पे ये जो कॉर्नर आ रहा था ऐसा बना सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे
ओके तो अभी ये करने के बाद हम उंगलियों पे डिज़ाइंस बनाना शुरू करेंगे। तो जैसे कि मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया है कि हमें एक लाइंस बना देना है जिससे हमको पता चले कि इससे आगे हमें अभी नहीं बनाना है। ओके अभी सबसे पहले डॉट्स बनाएंगे और लाइन डॉट्स और हल्का सा लाइन। ये फीलिंग्स दिखा रही हूँ मैं उंगलियों की। फिर एक डार्क लाइन बनाएंगे। ओके फिर इसके बाद पतला सा लाइन बनाएंगे। अब यू शेप पैटर्न पतली वाले। फिर यू शेप नहीं सी शेप, यू शेप नहीं सी शेप बड़े बड़े। तो उसके लिए पहले एक दूर एक लाइन बना दीजिए आप और उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे सी शेप बोलो यू शेप बोलो चलेगा। ये बनाने के बाद इसको डार्क बना दीजिए बॉर्डर को। फिर इसकी एक और बॉर्डर और फिर यू शेप पैटर्न। ओके और फिर से यही वाले हमारे शेप्स। ओके यहाँ पे जॉइंट हो रहा है कहीं पे नहीं होएगा तो उस हिसाब से बनाएं। ओके फिर यहाँ पे फिर से यही डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन करके तैयार है। इसको बोलते हैं बैंगल स्टाइल मेहंदी डिज़ाइन और बहुत ही अच्छे से हमारी ये डिज़ाइन बन गई है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आए और ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियो शेयर करें और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें। कोई भी प्रॉब्लम है मेहंदी डिज़ाइंस तोड़ने में तो आप मेरे को कमेंट करें, उसका मैं आपको कमेंट्स में आंसर दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। टेक केयर।